अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब? तो वेलकम हो गया आप लोग का न्यूट्रल पॉट्स पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम रिएक्शन वीडियो करने लगे हैं उमर भट्ट के ऊपर। व्हाट्सएप पे देखते हैं, फिर हम करते हैं स्टार्ट। भरी दुनिया में कोई है जिसे अपना समझते हो? तुम्हें खुद भी समझ आता है खुद को क्या समझते हो? तुम्हें हर एक से शिकवा है, तुम्हें कोई नहीं समझा। बुरा मत मानना, तुम बंदे को बंदा समझते हो। क्या कहते खामियां ढूंढोगे तो जरूर मिलेंगी, खुदा के बंदे हैं तेरी बाजी के नहीं। यार तू सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देता? तुम्हें पता है कितना नुकसान करती है? तो ये भाई सिगरेट जितना भी नुकसान देती हो, तबाह करने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। ओ बेदर्द यार, बेदर्द ओ बेदर्द यार। ताल्लुकात हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, इसलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। यार नहीं हूँ किसी लड़की के साथ, मुनीब के साथ हूँ। अच्छा यार जो समझना समझो। यार मैंने ना इससे ब्रेकअप कर लेना, मैं तंग आ गया हूँ हर टाइम से। शक 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 हो गया यार, ये नॉर्मल है लड़कियां पूछती हैं ऐसे। यार ये नॉर्मल नहीं है मुनीब, ये देवे तभी वो रोए मोबाइल लेके बैठे हैं। जब तेरी वाली करेगी ना तब मैं तेरे से पूछूंगा। मेरे वाली पीछे बैठी है। पीछे हाय शराब पी रहे हो? तो नहीं अब्बा जी, संदल का शरबत पी रहा हूँ। बस पी इस तरह रहूं जैसे शराब पीते हैं। तो हुमलने तो नहीं नजर आ रहे? शरबत बदलो बेटा जी, या पीने का स्टाइल बदलो। कभी लड़की बन के देखो, रोना ना आए ना तो फिर कहना। कभी कभी लड़का बन के देखा, रोना तो बहुत आएगा पर रो नहीं पाएगा। मैं वो किताब हूँ जिसे पढ़ने के बाद लोग तर्जमे के लिए तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये लड़कियां अपनी बायोडेटा में लिखती हैं कि वेट 50 किलो, हाइट 5 फुट, पर ऐसा क्यों नहीं लिखती कि जिबान 12 फुट की है? बेगम एक शेर सुनावा? सुनाओ। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, मैं तेरे तो दुखी तो मेरे तो दुखी, तू जुबान कटा ला तू ही सुखी तो मैं भी सुखी। बहुत लंबी जुबान है। यार मेरे पर्स से फिर से किसी ने पैसे निकाल लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है किसी ने पैसे निकाल लिए? हो सकता है मैंने ही निकाले हो। नहीं नहीं ये तेरा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से पैसे बचे हैं ना। सुनो आई लव यू। हाँ लेकिन लड़कियाँ हमेशा धोखा देती है। तो फिर अपने लिए लड़का ही ढूंढ ले जा। छोड़ दिया है सबको, सिर्फ तुमको रखा है दिल के करीब। बाबा जी रणमरीद। अर्ज किया है इरशाद, चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ, एक तरफ उसकी आंखें
जादू टोना एक अली भाई जी भाई, जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं उनके लिए एक लाइन हो जाए। अरे औरत की ताकत का अंदाजा यहीं से लगा लो कि मर्द पूरी बरात लेके जाता है उसे लेने, और वो अकेली शेरनी की तरह आती है। जो सुख में साथ दें उन्हें रिश्ते कहते हैं, और जो दुख में साथ दें उन्हें फरिश्ते कहते हैं। ये आधी रात को किसके साथ बात हो रही है बताओ? यार मैं कोई हराम काम नहीं कर रहा। तुमको हराम काम की तो मुझे टेंशन ही नहीं है, टेंशन तो ये है कोई हलाल काम करके मेरे सर पे ना ले आओ किसी को। मोहित बेटा पानी तो पिलाओ। अबू मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। अरे तू उस बाप को मना कर रहा है जिसने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अबू ये तो है ही बगैरत, आप खुद ही पी ले। यार मुझे एक बात तो बताओ। हाँ? तुम लोग सारे मेरे दोस्त हो। हाँ? मुझे कोई अपनी दोस्ती का एक फायदा तो बताओ। साला नुकसान मैं अपनी उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। यार भाई बस एक ही ख्वाहिश है कि ऐसी बीवी चाहिए जिसे रात के 4 बजे भी बोलूं मुझे बिरयानी खानी है, हंसते हुए जाए और किचन में घुस जाए और वहां से गरम चिमटा लेके आए और तेरे लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे, ना कभी सिगरेट ना कभी शराब ना कभी जुआ, इन चीजों से हमेशा दूर रहते थे। अरे कैंसर से मरे हैं लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे। ये गरीबों की बहुत मदद करते थे, इनके घर कोई भी बंदा आ जाता था तो उसकी मदद किए बगैर से जाने नहीं देते, इनकी बात पत्थर पे लकीर होती थी। सियासतदान थे वैसे लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे। अबे घंटा अच्छे थे, सारे गलत काम तो ये करके बैठे ही आदमी। यार तो हर टाइम हंसता क्यों रहता है? यार क्या करूं, हर टाइम मशूक का भाई साथ होता है, हंसना ही पड़ता है। दुनिया में सिर्फ जाय नमाज ही ऐसी जगह है जहां रो भी लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। यार एक बात तो बता, तू कभी रोया नहीं? हर टाइम हंसता ही रहता है तू। यार कभी कभी आपके अंदर सब कुछ रो रहा होता है सवाए आपकी आंखों के। अरे गलती से हो गया था। कौन, तू या कौन? आप जितने मर्जी अच्छे हैं, जब किसी ने आपसे ताल्लुक तोड़ना हो तो आपसे अच्छे लोग खुद ही पैदा हो जाते हैं।
चल यार रुक, मैं अली को फोन मिला। आजकल ये रिंगटोन लगी हुई है किसी के फोन पे। यार मैं ना रिश्ते के सिलसिले में तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। शिफ्ट हो गया और नार चढ़ गई। मेरी आंखों में देखो ये रात कितनी खामोश है। शोर करे सुनो, मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उस पर ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था, मिली नहीं कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। बहुत सी गलतियां हुई हैं जिंदगी में, पर जेड़ी तू सो रही उस दिन काफी सोटे बैठे है ना। भाई मेरी और तेरी भाभी की शादी फिक्स हो गई। अरे वाह भाई, बधाई हो बधाई। मुझे तो शुरू से तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। कब की है शादी? मेरी 25 की और उसकी 27 की। अरे वाह, ये तो यार बहुत जबरदस्त। मैं तो यार भाइयों ने कमाल, मैं तो ये कहूंगा कि उमर बट मुझे शरारती अच्छा लगता है, इस तरह उदास मजा नहीं आ रहा। नहीं उदास होना भी नहीं चाहिए, इस तरह उनकी स्टार्ट की वीडियोस थी ना वो उदासी। तो मैं तो कहूंगा कि चीयर अप करना चाहिए, क्योंकि इनके ये शरारत, ये शरारती अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, इनकी जो ये टिकटॉक्स भी थी ना कॉमेडी वाली, ये वो दोनों भाई बस फन में रहे, कॉमेडी वीडियोस बनाए और खुद भी हंसते रहे और हम लोगों को भी हंसाते रहे। तो बहुत सारे भी आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और दोनों भाइयों के बारे में आप भी हमें अपना लाजमी फीडबैक दिएगा। तो बहुत सारे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।